हाथरस के बुलगड़ी कांड में एक नया मोड़ सामने आया है। सभी आरोपियों ने जेल से ही पुलिस अधीक्षक हाथरस के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें वे अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। और उन्होंने पत्र के जरिए बताया कि पीड़िता की हत्या उसी के परिजनों ने की है, हम सब बेकसूर हैं। हाथरस का बुलगड़ी कांड अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। चार आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक हाथरस को पत्र भेजकर अपने आप को बेकसूर बताया है, लेकिन अभी तक एसपी की ओर से कोई बयान नहीं आया। मृत युवती के पिता ने कहा है कि चारों में से एक आरोपी का जो नाम है वही हमारे लड़के का भी है। उन्होंने यह भी बताया कि घटना वाले दिन की कई जानकारियां उनको काफी बाद में मिली हैं। दो आरोपी रामू और रवि की मां ने कहा कि हमारे बेटे निर्दोष हैं। इस केस में उनको बाद में फंसाया गया है। चिट्ठी में जो लिखा है वह सही होगा, लेकिन हमने यह नहीं देखा कि वह कब युवती से मिलने जाते थे और कब नहीं जाते थे। ज्ञात हो कि हाथरस के बुलगड़ी केस में मुख्य आरोपी संदीप ने पुलिस अधीक्षक हाथरस को चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बताया है और दावा किया है कि पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। संदीप का कहना है कि इस मामले में हम निर्दोष हैं, मेरे रिश्तेदार रवि और रामू को भी फंसाया गया है, इसके साथ ही लवकुश का नाम भी डाला गया है। हम चारों निर्दोष हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं। हाथरस जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने चिट्ठी लिखे जाने की पुष्टि की है। अभी तक एसपी हाथरस की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया। ऐसा इन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। सर, आरोपी लंबे समय से कुछ आपकी वार्तालाप हुई, कुछ उन्होंने बोला आपसे? ये जांच का विषय है, इसमें मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पत्र भेज दिया हमने। पत्र में क्या लिखा हुआ है? पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी जांच एजेंसियां देखेंगी उसको कि कोई बात तो रखी होगी कि हम निर्दोष हैं या कसूरवार हैं। हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए तो हम उसको अग्रसारित कर देते हैं। कोतवाली जनता पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब देने पहुंचे कांग्रेस नेता स्वराज जीवन, वही मीडिया के सवालों से बस्ते दिखाई दिए कांग्रेस नेता। हाथरस मामले में कांग्रेस नेता स्वराज जीवन द्वारा आपत्तिजनक शब्द व भड़काऊ भाषण पीड़िता के घर पहुंचकर देने के मामले में हाथरस जनता की कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें नोटिस दिया था। नोटिस के बाद आज स्वराज जीवन जनता थाने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों पर बोला कि मुझ पर कोई आपराधिक मामले में केस दर्ज नहीं है। एक आदमी जो गुंडा था, जो मेरे पास आया था, वो भारत में दंगा कराना चाहता था। पुलिस जनपद थाने लेकर आई है, आप देख रहे हैं इधर कि किस तरीके से उनको यहाँ पर लेकर आया गया है। और स्वराज जी, ये बताइए कि आपको बयान के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, क्या बयान दर्ज कराएंगे अपना, किस चीज़ का स्पष्टीकरण देंगे? बाद में बताएंगे आपको। क्या बताएंगे, आप ये मानते हैं ना कि आपने जो कैमरे में बोला है वो सही बोला है? आप ये मानते हैं ना, मानते हैं ना कि आपको जो आपने कैमरे में बोला है? आपसे कुछ नहीं कहेंगे।